पहले सूत्र से 57वें सूत्र तक। यहाँ पे महादेव ने तुमसे बता दिया, अंतिम बात पहले कह दी, अब महादेव कहते कि इसको जानना कैसे। दूसरे सूत्र से महादेव कहते कि अब ये तो मैंने बता दिया तुझे, ये तू है ही, अब यहां तक पहुंचे कैसे, बताए कैसे। तो दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधन, ज्ञानम बंधन। तो सुनने में भी थोड़ा सा लगता है ना कि सूत्र है, श्लोक है, तो कुछ बड़ा होना चाहिए, दो चार वर्ड्स के दो चार लाइन भी तो होने ही चाहिए, क्योंकि हमें आदत है बहुत से लोगों की जो चार ग्रंथ पढ़ लेते हैं और संस्कृत के पूरे बोल रच देते हैं। हमें आदत है उन लोगों की कि जिनको आदत है बड़ी बड़ी चीजें बताने की। तो तुम पाओगे कि अगर किसी ने थोड़ी सी संस्कृत पढ़ी है, कुछ पाठ वाठ किया है, तो वो जानबूझ के, हम ऐसे भी बात करें कि अब खाना वाना हुआ, कैसा चल रहा सब, और वो एकदम से बीच में संस्कृत बोल देगा, अब मैं अंतम में, फिर तुम भी कंफ्यूज। अब तुमको तो समझ नहीं आई, उसको पता है। अब ये वो भी जानता कि तुम पूछोगे इसका मतलब, फिर तुमको बताएगा, तो वो बताने का आनंद लेगा। अब इससे निर्मित हुआ है, इससे बना, देखा, आई नो एवरीथिंग, संस्कृत, संस्कृत देव भाषा नहीं यार। कहते हैं कि स्वामी राम, स्वामी रामा करके इंसान थे, वो पंजाब के थे, एनलाइटन वन, जागरूक इंसान, भारत के बाहर उन्होंने काम किया। जब वो भारत आए तो पहली सभा उन्होंने ली वाराणसी में, और वाराणसी में सब तो बड़े लिखे लोग, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए लोग, स्वामी राम बैठे थे प्रवचन के लिए, आए थे कुछ लोग बैठे थे सामने, वो बेचारे आए अपने नॉर्मल हिंदी में बात करने लगे, सामने से एक बंदा उठा, बोले एक मिनट पहले बताओ कि तुम संस्कृत जानते हो। स्वामी राम बोले नहीं, नहीं जानता था बंदा, उसको इंग्लिश पता थी, उसको पंजाबी पता थी, उसको हिंदी पता थी। तो वो लोग हंसे, बोले कि अगर तुझे संस्कृत नहीं आती तो कैसे तूने परमात्मा जाना। देखा, स्वामी राम ने हाथ टेक दिया, बोले भाई बात ही नहीं करना। तो संस्कृत जिन जो पढ़े हैं थोड़ा सा जाने, वो जानबूझ के संस्कृत बोल दे। होता है ना आजकल, हो रहा है कि बच्चों को तुम डालते हो किसी स्कूल में, वहां पे होता है कि जर्मन सिखा रहे, ये सिखा रहे, और जैसे ही उनके घर पे कोई मेहमान जाएगा, वो माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा सर्कस की तरह खड़ा करेंगे, बोलेगे चल जर्मन बोल के दिखा, चल टाटा बाय बाय बोल, हेलो बोल अंकल को जर्मनी में, चल जापानीज में हेलो बोल, चल। ये क्या है, ये दिखाओ। तो महादेव का कोई दिखावा नहीं है, महादेव ने अंतिम बात पहले ही कह दी, महादेव ने तुमसे कह दिया कि तुम हो आत्मतत्व। अब इस आत्मतत्व को कैसे समझा जाए, इसका ये शुरुआत। और दूसरा जो श्लोक है, दूसरा जो वर्स है महादेव की शिव सूत्र की, वो है ध्यानम बंध। अब इसका अगर तुम, अब तुमको ये तो समझ गया कि ध्यानम बंध का मतलब क्या, कि नॉलेज इज अ बॉन्डेज, बराबर, कि तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी पकड़ है, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा अटकाव है, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा बंधन है। अब इसको समझाने वाले इस तरह से समझाते हैं कि एक तो है अज्ञानी, एक है ज्ञानी। जिसने खुद को जाना वो ज्ञानी, जो कुछ भी नहीं जानता वो अज्ञानी। लेकिन एक बीच की टर्म है जो 99% भरी हुई है, और उसको कहते हैं अर्ध ज्ञानी, जो जानते तो नहीं है, जिन्होंने अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन पढ़ बहुत लिया है। तो एनलाइटेड आदमी भी एनलाइटनमेंट के बारे में उतना नहीं जानता जितना बहुत से लोग जानते हैं एनलाइटनमेंट के बारे में। मैंने देखे ऐसे लोग कि जो एनलाइटनमेंट पे इतना बात करेंगे कि एनलाइटेड बंदा तक बोलेगा कि भाई ये तो मुझे को नहीं पता, थैंक यू वेरी मच। तो उसका अपना अनुभव नहीं है, लेकिन बातें, ये ज्ञान की बातें, ये उधार की बातें, ये किताबों की बातें, यही उसका बंधन है। समझाने वाला ये समझा देगा तुमको, लेकिन बात इतनी नहीं है। ज्ञानम बंध का अर्थ ये है ही नहीं कि जो तुमने ज्ञान निर्मित किया या ज्ञान जमाया, ज्ञान को एकत्रित किया, वो तुम्हारा बंधन है। ना ना ना, इसका मतलब है कि ज्ञान का मतलब है नोइंग, जो भी तुम जानते हो वही तुम्हारा बंधन है। तो शिव ने बहुत अंदर की बात कही, शिव कहते हैं कि जो भी तुम जानते हो, जो भी तुम समझते हो, वो ही तुम्हारा बंधन है। अब इसमें सब आ गया। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये समझते हो, तुम्हारा नोइंग है कि कोई तुम्हारी माता है, तुम्हारी नोइंग है कोई तुम्हारा पिता है, कोई तुम्हारी नोइंग है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा घर है, ये मेरा डिग्री है, ये मेरी कमाई है, ये सब कुछ नोइंग में। और ये नोइंग में भी ये भी आता
जब तुम आईने के सामने खड़े रहते हो और कहते हो कि ये मैं, ये भी तुम्हारी नोइंग है ना? दो चीजें अलग है। ज्ञानम बंध का मतलब अगर सीधी भाषा में लो तो यही आता है कि जो कचरा पड़ा गया, जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है, वो तुम्हारा बंधन। ना 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 ना, इतनी छोटी बात नहीं कह सकते महादेव। क्योंकि जो बंदा पहले ही कह दे रहा है कि जो तू सोचता है वो तू है ही नहीं, तू कुछ और है, वो इतनी छोटी बात नहीं कह सकता, वो गहरी बात कह रहा है। महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं कि जो भी तू जानता है वही तेरा बंधन। तुम अगर सोचो तो जो भी चीज तुम्हारे आसपास है वो तुम जानते हो। अगर तुम्हारी मां है, कोई पत्नी है, कोई मित्र है, तो तुम जानते हो कि यह तुम्हारा मित्र है, है ना? तुम जानते हो ना कि यह तुम्हारा मित्र है। यही जानना बंधन। हर वो चीज जो तुम जानते हो तुमने उसको पकड़ रखा है। वो सिर्फ किताब नहीं है, वो सिर्फ कमाया हुआ ज्ञान नहीं है, वो इंसान भी है, वो तुम्हारी गाड़ी भी है, वो तुम खुद भी हो। अब इसी सूत्र से इक्वल टू एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा महादेव तुमसे कहते हैं कि अगर नोइंग तुम्हारा बॉन्डेज है तो तुम हो कौन। बराबर, ये ड्यूअलिटी नहीं है, लेकिन शब्दों का एक समस्या है। शब्दों की समस्या यह है कि जब शब्द निकलेंगे तो उसका सत्य असत्य होगा। इसलिए लाओत्सु ने जब अपनी किताब लिखी तो पहले ही पेज पे लिख दिया कि मैं पहले ही बोल दूं कि सत्य को लिखा नहीं जा सकता, मैं पहले ही बता दूं कि सत्य को लिखा नहीं जा सकता, जो भी लिखित हुआ, जो भी शब्दों में आया वो असत्य। महादेव इस चीज को जानते ही थे, इसलिए महादेव ने पहले ही बोला कि बाहर के जीवन के बारे में बात ही नहीं करनी, वो तुमको पहले ही बता दे रहे कि बबलू तू कौन है, आत्म। और इस आत्म तत्व को जानने के लिए वो जो चीजें तेरी बैरियर है वो तुझे बता रहा हूं मैं बस। तो अगर तुम्हारा जो भी नोइंग है वो तुम्हारा बॉन्डेज है तो तुम हो कौन इस वक्त, क्योंकि तुमने उसको तो जाना नहीं जिसके बारे में महादेव बात कर रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तुम्हारी हर जानी हुई चीज तुम्हारा बंधन है, इसका मतलब है कि तुम बस अकेले हो, तुम ही तुम्हारे साथी हो। अगर हर चीज तुम्हारी बंधन है तो तुम ही तुम्हारे साथी हो। हर चीज तुम्हें अटकाए रखी है तो तुम ही तुम्हारे मुक्ति के द्वार हुए। हर चीज तुम्हें पकड़े रखी है, इसका सीधा सा मतलब है कि तुम ही रास्ता हुए उस तत्व तक जाने के लिए। तो नोइंग इज अ बाउंडेज, ज्ञानम बंधन। तो जो भी तुमने आज तक जाना अपने जीवन में, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो या बच्चे हो या पैसा हो या इज्जत हो या शोहरत हो, ये सारा ही तुम्हारा बंधन है। ये चीजों में तुमने जो खुद को पकड़ के रखा है, इन चीजों में तुमने जो खुद को समा के रखा है, ये खुद को समाना, ये खुद को पकड़ना ही उस तत्व तक जाने के लिए तुम्हें रोक रहा है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही मेरा संसार है, यही मैं हूं, और इनसे ही तुम रिलेट करते हो। कोई तुम्हें कहता है कि ये मेरा बेटा है, कोई तुमसे कहता है ये मेरा पति है, कोई तुमसे कहता है तुम मेरे पिता हो, मां हो, तो तुम्हें लगता है हां मैं मां हूं, मैं पिता हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं इन पदों पे हूं, मैंने इतना पैसा कमाया, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी इज्जत है। तुम खुद तो जानते नहीं तुम कौन हो। इन चीजों के निर्मिति के साथ तुम इस भरोसे पे रहते हो कि हाँ मैं कुछ हूं। क्या हूं वो नहीं पता, लेकिन इन चीजों को जोड़े रखने से ही तुम्हें आशा मिलती है कि कुछ तो है, अपना कुछ तो। फिर तुम्हारा वर्ण भेद भी उसमें आया, दिखना भी आया। और ये याद रखना कि ये सब चीजों के बारे में नहीं है। जब तुम आईने के सामने जाके देखते हो कि ये तो मैं, तो ये खुद की नोइंग भी बांधन है, ये भी जुड़ाव है चीजों से। अब ये खुद से भी जुड़ाव है, ये शरीर से भी जुड़ाव है। इसलिए महादेव ने कहा नहीं कि शरीर पे काम करना डाल, महादेव ने कहा ये है ही नहीं तो इस पे काम क्या। इन्होंने कहा कि है ही नहीं कुछ, तू तो वो है ना, क्या चिंता करना, बस इस चीज को समझ ले। अगर तुम बराबर से आज याद करो कि कितने बंधनों में तुम अटके हो, तो तुम पाओगे कि हर सच्ची बात। ये बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है, ये बात किताबों में लिखी हुई नहीं है, ये बात है कि हर उस चीज जो तुम्हारे आसपास है, हर चीज से तुम बंधे हो, हर छोटी छोटी चीज से तुम बंधे हो। और यही बंधन तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या है, यही बंधन तुम्हारा सबसे बड़ी रुकावट है, यही बंधन तुम्हें डुबा रहा है।
यही वो बंधन है जो तुम्हें अपने से दूर किया, उस पहले तत्व को या उस तत्व को जानने से रोके हुए है जो तुम सच में हो। तो आज हम यहां पे रुकेंगे इन दो सूत्रों के साथ, और कल फिर और कुछ सूत्रों पे बात करेंगे।